हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है और अब आप सोच रहे होंगे कि एक और नया चैनल क्यों। तो यूसुफ जैक्स चैनल पे कुछ टेक्निकल इशू है, इसलिए यहां पर इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज देखने को मिलेगी। तो सिर्फ रिव्यू के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप Xiaomi के फैंस हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है कि MIA3 जो है लीक हो गया है। सारी चीजें, सारा डिटेल इसका जो है लीक हो गया है। यहां पे एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्या क्या मिलने वाला है इस फोन के अंदर, क्या हो सकता है प्राइस और क्या क्या मतलब कंपैरिजन कर सकते हो आप किस फोन के साथ इसके साथ। तो यहां पे सबसे पहले ये इसका बॉक्स है। बॉक्स पे आप देख सकते हो कि तीन कलर दिखाया गया है, सिल्वर, ब्लू और ब्लैक। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा कलर आता है। तो अंदर की ओर अगर देखा जाए तो ये यहां पे मतलब अनबॉक्सिंग की एक पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें कि आपको डेटा केबल मिल जाता है। डेटा केबल जो है वो टाइप सी वाला मिल जाता है और चार्जर जो है 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर इस पिक्चर पे आप जूम डालेंगे तो इसके कवर पे काफी कुछ जो है लिखा हुआ है, जो कि लिखा रहता है, और इससे ही हमें बहुत सारी चीजें जो है पता चल जाती हैं। सबसे पहला, इस फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा मिलेगा, जिसका एंगल होगा अल्ट्रा वाइड। उसके बाद 23 मेगापिक्सल का सेल्फी होगा, वो मैं आगे आपको और दिखा दूंगा। उसके बाद 4030 mAh की बैटरी होगी, तो बैटरी इन्होंने काफी अच्छी दी है हर बार की तरह। और यहाँ पे फास्ट इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट होगा, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन 665 आपको इस अपडेट के अंदर मतलब इस फोन के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि 7 सीरीज की बात हो रही थी, बट नहीं है, 6 सीरीज में ही रह गया। तो कोई बात नहीं, स्नैपड्रैगन 635 ही सही। तो A2 से तो A3 बेटर ही होगा, A1 से A2 बेटर नहीं हो पाया था, बट इस टाइम A3 पे इन्होंने काफी कुछ काम किया है। एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के साथ आपको देखने को मिलेगा। पीछे की लुक्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि इसमें आपको ग्लास बैक जो है मिलने वाला है। देख के तो ऐसा ही लगता है। आगे से आपको डॉट नॉच वाला ही सिस्टम देखने को मिलेगा, और डॉट नॉच बोलो या ड्रॉप नॉच बोलो, इन डिस्प्ले है तो काफी अच्छा देखने में लगेगा फोन। और ये इसका ब्लैक कलर है और ये सिल्वर कलर है। और बाकी इसके बारे में थोड़े बहुत जो है चीजें मैं और भी आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि इसके अंदर आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा। और कैमरा बम्प जो है वो Redmi Note 7 जितना तो बाहर आया ही हुआ है इस पिक्चर में देख के लगता है। साथ ही साथ आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी सही चीज है कि हेडफोन जैक इन्होंने अभी तक हटाया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने उसको हटा दिया है। फ्रंट लुक आप देख सकते हो कि प्रीमियम लुक आता है, Redmi Note 7 Pro से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन चाइना में एक फोन लॉन्च हुआ है Xiaomi का, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उससे आप इसको जो है एक हद तक कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइज, ये सारी चीजें थी इसकी जो मैंने आपको दिखा दी। पिक्चर्स तो सारे के सारे हो गए, अब कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो स्नैपड्रैगन 665 मैंने बताया आपको, डिस्प्ले जो होगा वो 6.08 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 4300 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट होगा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जर आपको ये लोग अभी भी नहीं देने वाले हैं। 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, जो मैंने बताया रेयर कैमरा, ट्रिपल कैमरा होगा। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा, तो फ्रंट कैमरा मैं कहूंगा सच में कि भाई अच्छा दिया है, ठीक है। और अगली चीज जो है ये ग्लोबल वर्जन आप कह सकते हो। अगर चाइना में एक फोन लॉन्च हुआ था जिसका नाम था MICC9E, तो ये बिल्कुल सिमिलर उसके ही जैसा है, बट जो है थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि इसके अंदर आपको जो है HD+ डिस्प्ले मिलती थी, बट यहां पर जो है आपको फुल HD का जो है डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। तो ये जो है उससे थोड़ा बेटर होगा डिस्प्ले के मामले में। और क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि Xiaomi MIA2 के अंदर जो है अच्छा डिस्प्ले था, तो जाहिर सी बात है कि A3 के अंदर डाउनग्रेड तो नहीं करेंगे, अच्छा डिस्प्ले देंगे। अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसको आप सीधा Note 7 Pro से इंडिया में कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि Note 7 Pro तो यार गंदा लैग करता है, जो यूज करता है उसको पता है कि Note 7 Pro का कैमरा कितना गंदा लैग करता है। और जो Android 1 प्रोग्राम है वो भाई स्टेबल चलता है, ये भी सबको पता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये इंडिया में आ जाता है जितनी जल्दी, उतनी जल्दी Note 7 Pro का तो सेल थोड़ा सा डाउन होगा। जो लोग स्टॉक एंड्रॉइड लवर है वो लोग यूज करेंगे, बट जिनको MIUI रोम पसंद है वो शायद ना यूज करें। बट कैमरा के मामले में जो है ये डायरेक्ट टक्कर जरूर देगा Note 7 Pro को, क्योंकि उसका कैमरा तो स्टेबल है ही नहीं। प्रोसेसर में जरा सा कम हो गया है, लेकिन एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम होने की वजह से आई थिंक कि प्रोसेसर फास्ट वर्क करेगा। दाम की बात करें तो दाम जो है 17 से 19 के बीच में ही दाम होगा, उससे ज्यादा नहीं उम्मीद रखते हैं इसके बेस वेरिएंट का दाम। इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ भी मुझे पता चलता है तो अगली वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारा पहला नया मतलब तीसरा नया चैनल है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर से दबा देना, वरना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इस फोन के बारे में या इन पिक्चर्स को डिटेल में देखना है या कुछ भी पढ़ना है तो मैं सारे जो है नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके सब कुछ देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, सब फ्री टू यूज है, आप यूज भी कर सकते हैं।